जागरान लेक सिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होता है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल सर्च करना होगा। ओके, सर्च करते ही आप यहाँ पर देखेंगे जागरान यूनिवर्सिटी, ठीक है। IAS पेपर यहाँ पर पहले देखना लिखा हुआ है कि नहीं, तभी क्लिक कर। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जागरान लेक सिटी यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दी गई है। हैज़ बिन रिलीज ऑन 22 फरवरी 2022 फॉर वेरियस कोर्सेज के लिए। इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करें जिसमें आपका फुल नेम बताना होता है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस। सो आप ये सब जब भी फिल करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ई मेल आई डी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे जागरान लेक सिटी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। सो आपको ये क्लिक करना होता है। ओके, सो आगे चलते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़ देना चाहूँगा आपके। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है, जहाँ पर आप इस यूनिवर्सिटी के नेम देख सकते हैं कौन कौन से यूनिवर्सिटी में हुई है। UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, लास्ट DIT यूनिवर्सिटी। इन सभी के यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो है ना एडमिशन शुरू हुई है फुल फ्लो में। तो आप इन में से जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन ले पाएंगे। सो आगे चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करनी है, क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना। अब ये सब करते ही आपको अपना यहाँ पर नेम फिल करना, एक ऑप्शन आता है लॉगिन का, एक ऑप्शन आता है रजिस्टर का। तो रजिस्टर पहले करना है, तो रजिस्टर में आपको क्या फिल करना है, आपका नाम बताना है, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर आप बताइए, स्टेट एंड सिटी, सेलेक्ट प्रोग्राम लेवल, सेलेक्ट प्रोग्राम आप पहले लेवल पहले सेलेक्ट कीजिए, UG। अब UG में मैंने सेलेक्ट किया, मतलब UG में बहुत सारे आ गए पार्ट्स, NECOM है, BBA बहुत सारे हैं। अब इसमें भी मेरे को एक ही स्कूल यूनिवर्सिटी दिखता है इस कोर्स के लिए। यहाँ पर सेलेक्ट कैप्चा, मतलब कैप्चा यहाँ पर टाइप कर दूँगा जो लिखा हुआ है यहाँ पर AEE, तो AEE स्मॉल में एग्री एंड रजिस्टर। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद जागरान लेक सिटी यूनिवर्सिटी, वी हैव सेंड यू अ वेरीफिकेशन लिंक। तो ये मेरा ईमेल आईडी पर्सनल, ठीक है, काइंडली क्लिक ऑन द लिंक कंप्लीट वेरिफिकेशन प्रोसेस, गो बैक टू होम करता हूँ। अब इस मेरे ईमेल आईडी पे मुझे लिंक की एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, आगे का जो प्रोसेस है इसके बाद का, वो प्रोसेस के लिए मेरे को मेरे ईमेल आईडी में सेंड किया गया है लिंक। अब उस लिंक पे क्लिक करके मैं आगे करूँगा, तो दिखाता हूँ आपको क्या करना है। जागरण यूनिवर्सिटी लेक सिटी, ओके, स्क्रॉल डाउन, वैलिड डेट, ईमेल आईडी, सो क्लिक हियर। When you click, you can see 1,119.47 rupees, मतलब आपको इतना अमाउंट एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है, ये लिखा हुआ है, इतना देना पड़ता है आपको, ठीक है। पर अब ये देना पड़ेगा तो ठीक है, पर यहाँ पर फेल कैसे करना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अप्लाई हियर पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई हियर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर प्रोग्राम डिटेल पहले देखेंगे, लेबल। अब लेवल यहाँ पर यूजी लेवल के लिए या फिर पीजी लेवल के लिए या फिर पीएचडी लेवल के लिए, तो मैं यूजी लेवल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। प्रोग्राम बताना होगा मुझे, तो प्रोग्राम यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल रहेंगे, BBA रहेगा, BMS रहेगा। स्कूल बताऊँगा, जागरण यूनिवर्सिटी बिजनेस फैकल्टीज, तो एक ही आ रहा है इसमें। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, लेक सिटी यूनिवर्सिटी हो गया। न्यूज़पेपर के थ्रू आपने सुना इस यूनिवर्सिटी के बारे में, मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशन फेयर, जॉब फेयर, गूगल एडवर्टाइज, व्हाट्सअप, SMS, फैमिली फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं जिसके भी थ्रू, सारे ऑप्शन में से कोई ना कुछ तो होगा ही, नहीं होगा तो आपका यहाँ पर, ठीक है, इसमें से कोई ना कोई तो होगा, ठीक है, मेरे को पता। अप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स, आपका टाइटल सेलेक्ट करेंगे, आप मिस्टर हैं मिसेस हैं, नेम बताएंगे, आपका नाम क्या है, आपका मिडल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी। फिल करने के बाद आपको फिल करनी होती है अपना अल्टरनेट ईमेल आईडी, रिलीजन फिल करनी होती है, मेरिट स्टेटस, जेंडर सेलेक्ट करनी होती है,
एंड नेशनलिटी बतानी होती है, आपकी नेशनलिटी क्या है, सिटीजन्स क्या कैटेगरी बतानी होती है, इंडियन ही है मेरी, और कास्ट कैटेगरी जनरल है मेरा, आधार कार्ड नंबर, नेक्स्ट। आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्लिक करते ही एड्रेस और करस्पॉन्डेंस, एड्रेस होता है जहाँ पर सेलेक्ट कंट्री इंडिया, सब हाउस नंबर, एरिया लोकेशंस मतलब लोकेलिटी, नियर बाय लैंडमार्क, बिजनेस सब फिल करेंगे, पिन कोड नंबर देंगे। पिन कोड नंबर देने के बाद इस परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर कम्युनिकेशंस, सो आप यस क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस सेम नहीं है सो नो पे क्लिक करेंगे और दूसरा एड्रेस बताएंगे क्या है आपका, एंड फिर नेक्स्ट करना होता है आपको, ठीक है। तो मेरा एड्रेस तो सेम ही है एंड मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। सो एजुकेशन डिटेल्स देनी होती है, 10th SSC डिटेल्स, स्कूल का नाम आपका, 10th में स्कूल का नाम क्या था, बोर्ड का नाम, आप जो भी बोर्ड का नाम होगा, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, स्ट्रीम बताएंगे, मेकिंग स्कीम बताएंगे, मार्किंग स्कीम, सॉरी मार्किंग स्कीम ही में यहाँ पर आता है, परसेंटेज आता है, CGPA में मार्क्स आता है या फिर कैसे आपका। तो मेरा परसेंटेज में मार्क्स आया था, परसेंटेज मेरे को आया था 89, मतलब 86 आया था, 86 आया था। मीडियम यहाँ पर बतानी होती है इंग्लिश, हिंदी या फिर कुछ और, तो मेरा इंग्लिश था। और मोड बतानी होती है फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम, फुल टाइम। नेक्स्ट आप बताएंगे आपने 10th के बाद क्या किया, 12th किया, डिप्लोमा किया या फिर दोनों किया। मैंने 12th ही किया सिर्फ, उतना पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, स्कूल का नाम बताना होता है, आप कौन से स्कूल में थे, पढ़ रहे थे 12th अपना, कौन सा बोर्ड था आपका, स्ट्रीम क्या था आपका, साइंस आर्ट कॉमर्स, ईयर ऑफ पासिंग 2012 में, ओके आई गेस 2000, 10th का एक सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, 10, ओके हो गया, स्ट्रीम तो नहीं रहता, नो डन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ईयर सेलेक्ट किया, रिजल्ट स्टेटस, 12th का रिजल्ट स्टेटस क्या है, डिक्लेयर हो गया मेरा मार्क्स, ठीक है। मार्क्स बताएंगे तो CGPA में मार्क्स आते हैं, परसेंटेज में, परसेंटेज में तो मैक्सिमम मार्क्स 600 आउट ऑफ 377, न्यू 501 था मे बी, हाँ अब यहाँ पर 83 हो गया परसेंटेज। और मीडियम बता दें आपको, इंग्लिश मीडियम ही था मेरा, और मोड था मेरा फुल टाइम, मतलब पार्ट टाइम नहीं था, फुल टाइम ही था, डिस्टेंस। ये फिल करने के बाद डू यू हैव एनी एकेडमिक गैप, तो मैंने गैप तो नहीं किया, आपने गैप किया तो आप यस करेंगे, यस करेंगे तो आपको क्या फिल करना आता है, ईयर ऑफ गैप, कितने साल का गैप है, क्यों गैप आपने किया वो बताएंगे, 100 वर्ड के अंदर, 100 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने किया नहीं तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। एंट्रेंस टेस्ट डिटेल देनी होती है जहाँ पर प्री क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट डिटेल्स होती है, जहाँ पर आप अगर यस करते हैं तो आप एग्ज़ाम का डिटेल देंगे, जहाँ पर एग्ज़ाम नेम, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, गेट होता है, NIT, NIFT, UCET, सीट, बहुत सारे यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, कैट मैट जैट एंड मैट जी में जी क्लैट एल सैट, बहुत सारे हैं, ठीक है। अपेयरिंग ईयर बता सकते हैं यहाँ पर, अपेयरिंग ईयर बताएंगे यहाँ पर, रिजल्ट स्टेटस बताएंगे, और ग्रेड स्कोर और भी ऐड कर सकते हैं आप। तो मैंने, मतलब मैंने टेस्ट नहीं दिया ये सब, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह नहीं किया मैंने, ठीक है, तो नो कर दूंगा मैं। एप्लीकेंट वर्क एक्सपीरियंस डिटेल देनी होती है, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, यस, सो क्या है वो, डिजाइनेशन क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, मतलब आपने वर्क एक्सपीरियंस है मतलब आपने कहीं काम किया है, ठीक है, तो काम किया है तो उस डिजाइनेशन क्या थी वहाँ पे, और क्या ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे, फुल टाइम मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी वहाँ पे, डिजाइनेशन कोई कैसा कंपनी था, मतलब किस टाइप का कंपनी था, कंपनी का नाम वगैरह क्या क्या, कैसा कंपनी था वो, किस टाइप का, और आप उसके अंदर आपका पोस्ट क्या था, और कब से कब तक आपने किया, कितने साल तक, टोटल एक वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर बता देंगे, मतलब कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और आप और भी कहीं किए तो ऐड करके, ऐड करके, और ऐड करके, ऐड करके, कट करके, जितना भी आपने किया 10, 12, 20, 25 कर दिया तो आपने, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे हैव यू रिसीव एनी अवार्ड या फिर अचीवमेंट, मैंने अगर किया है तो यस पे क्लिक करूँगा। अवार्ड के लिए लेवल यहाँ पर बतानी होती है, आपने अवार्ड अगर जीता है तो स्कूल लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं तो पहली बात तो स्कूल ही लेवल पे जीता हूँ मैं,
अब यहाँ पर विनर था, जस्ट पार्टिसिपेट किया था आपने, या फिर नॉमिनेटेड विनर था। कैटेगरी बतानी होती है, एकेडमिक, स्पोर्ट, कल्चर, या फिर कैसे टाइप्स का था। स्पोर्ट्स में था, अच्छा। अवार्ड बॉडी इन सेक्शंस यहाँ पर बतानी होती है, इंस्टीट्यूट मतलब, और अवार्ड का नाम बताना था, और रिसीव कब आपने रिसीव किया हुआ अवार्ड, और क्यों, फॉर वॉट मतलब, पर क्यों, हाँ मतलब जो भी है आपसे। अब यहाँ पर अवार्ड देख सकते हैं आप, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। मैं यहाँ पर नहीं जीताऊंगा, मैं नो पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। मदर डिटेल देनी होती है यहाँ पर, आपके माता जी का डिटेल चाहिए, जहाँ पर आपके मदर का टाइटल होगा, मिसेस हैं या फिर डॉक्टर हैं आपके, आपके मॉम, आपके माता जी, फुल नेम बताएंगे, और ईमेल आईडी देना होता है आपके माता जी का, मोबाइल नंबर के साथ में। ऑक्यूपेशन भी बतानी होगी, मेरी मम्मी तो होम मेकर है तो मैं होम मेकर बताऊँगा, एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर बता देंगे, इन सर्विस या फिर रिटायर्ड होकर बैठी हैं घर पे, आप ऑप्शन है आपके पास है। अब फादर डिटेल्स होती है, जहाँ पर फादर डिटेल्स में आप टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फादर का फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड ऑक्यूपेशंस, ये भी होम मेकर हैं और माता जी भी होम मेकर हैं, तो काम कौन करता है। अब यहाँ पर लोकल गार्जियन डिटेल्स होती है, जहाँ पर आप बताएंगे गार्जियन का फुल नेम, गार्जियन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, गार्जियन ऑक्यूपेशन देनी होती है, ये भी होम मेकर है, अच्छा तो काम कौन करता है। एप्लीकेंट मेडिकल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होती है, डू यू सफ़र एनी फ्रॉम क्रॉनिक एलमेंट, ओके यस या नो में आंसर देना होता है। प्लीज़ शेयर योर ब्रीफ इंफॉर्मेशन, दिस आपको इसमें इंफॉर्मेशन एकदम ब्रीफ में दे सकते हैं, एकदम पूरा पैराग्राफ के साथ में। आप यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे, जहाँ पर अगर है आपको तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। आर यू डिसेबिलिटीज एबल, आप बताएंगे यस या नो में आंसर। वाई डू यू सीक स्पेशल सपोर्ट एंड ब्लड ग्रुप, क्या है आपका। अब यहाँ पर नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा, ब्लड ग्रुप बता करके नेक्स्ट ख़त्म कर दूँगा। एप्लीकेंट फाइनेंशियल डिटेल्स देनी होती है, तो फाइनेंशियल सेक्शन बताएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर अदर, वो अदर। अब यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करनी है। हाउ डू यू विश टू फाइनेंस योर एजुकेशन, आपका सेल्फ फाइनेंस रहेगा, बैंक लोन, स्पॉन्सर्ड बाय अदर, बताएंगे ना। फैमिली टोटल अर्निंग पर एनम अप टू 2 लाख करोड़, कितना भी होगा बता सकते हैं। फैमिली एट JSW, अब यहाँ पर बताना क्या होता है आपको, देख लीजिए पहले। एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एसोसिएट विथ JSWS, अब ये क्या है, ओके कोई मेम्बर है क्या आपके फैमिली में, तो यस है नो में आंसर दे देना होता है आपको। नो है तो नो बताइए, यस है तो आप यहाँ पर टाइप बताएंगे, और मेम्बर कौन था फैमिली में, इंस्टीट्यूट का नाम बता देंगे। अब नो था तो नो पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप देखेंगे डिक्लेरेशंस, जहाँ पर आपका डिक्लेयर किया जाता है, आई क्लेरिफायर द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी सपोर्ट ऑफ दिस अप्लीकेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव आई डोंट हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सब पढ़ना होगा डिक्लेरेशन में, जो भी यहाँ पर आएगा ना सब। अगर यहाँ पर मतलब आप हैं सब सही है, एकदम परफेक्ट है, तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, नहीं तो बाद में आपका कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बस यहाँ पर लिखा है डिक्लेरेशन आपको ऐसा करना होगा। अब मेक पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को ऐसा अमाउंट पे करना होगा बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, तो मेरे पर डिपेंड करता है मैं चाहे कैसा भी कर सकूँ। सो आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना है और पेमेंट अपना कंप्लीट करना है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके इस पेज पर आए, सभी प्रोसेस को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।